गुड मॉर्निंग क्लास 11th. इन आर लास्ट वीडियो वी वर डिस्कस्ड अबाउट द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी इन विच वी डिस्कस थ्री मेन प्रॉब्लम्स व्हाट टू प्रोड्यूस हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस. इन व्हाट टू प्रोड्यूस प्रोड्यूसर हैज़ टू डिसाइड व्हाट टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दे वॉन्ट टू बी प्रोड्यूस. देर आर टू ऑप्शंस कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स. इन हाउ टू प्रोड्यूस प्रोड्यूसर्स हैव टू डिसाइड इन या बाय यूजिंग व्हाट टेक्निक दे वांट टू प्रोड्यूस द गुड्स. इन दिस दे आल्सो हैव टू ऑप्शंस बाय यूजिंग लेबर इंटेंसिव टेक्निक और बाय यूजिंग कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक. फॉर होम टू प्रोड्यूस दे हैव टू डिसाइड फॉर विच सेक्शन ऑफ द सोसाइटी दे वांट टू प्रोड्यूस द गुड्स. अगेन दे हैव टू ऑप्शंस दे वांट टू प्रोड्यूस द गुड्स फॉर रिचर सेक्शन और फॉर द पुअर सेक्शन. राइट. तो दीज प्रॉब्लम्स वी डिस्कस्ड इन आवर लास्ट वीडियो. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सॉल्यूशन ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम्स इन डिफरेंट इकोनॉमीज. कि जो हमने कल प्रॉब्लम्स डिस्कस करी थी उनको इन डिफरेंट डिफरेंट इकोनॉमीज हाउ वी सॉल्व, कैसे हम उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं. फाइन. तो पहले हम पढ़ेंगे अबाउट द इकोनॉमीज. तीन टाइप की इकोनॉमीज होती हैं नॉर्मली, मार्केट इकोनॉमी, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी. सबसे पहले हम पढ़ेंगे मार्केट इकोनॉमी के बारे में कि मार्केट इकोनॉमी क्या होती है और मार्केट इकोनॉमी में जो हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं व्हाट हाउ एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस उसको कैसे सॉल्व करा जाता है. तो मार्केट इकोनॉमी हमारी जो है इट इज़ आल्सो कॉल्ड फ्री इकोनॉमी बिकॉज इन दिस प्रोड्यूसर्स आर फ्री टू डिसाइड व्हाट हाउ एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, कैसे कब कहाँ और कितना प्रोड्यूस करना है. और उस बेस पर ही जब हम प्रोड्यूसर्स के ऊपर छोड़ देते ना कि प्रोड्यूसर्स को डिसाइड करना है क्या प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है, तो प्रोड्यूसर्स आर थिंकिंग अबाउट देयर प्रॉफिट ओनली कि किस तरीके से तीनों डिसीजंस में वो अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सकें. ठीक है ना. तो इट मीन्स उनका जो डिसीजन होता है दैट वॉज टोटली बेस्ड ऑन सप्लाई एंड डिमांड फोर्सेस कि क्या सप्लाई है, क्या डिमांड है, कितना प्राइस मैक्सिमम से मैक्सिमम प्राइस हम चार्ज कर सकते हैं. उनके इस डिसीजन में नो वन कैन इंटरफेयर, कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता. क्यों? क्योंकि क्या कहा गया है, इसे फ्री इकोनॉमी, प्रोड्यूसर्स आर टोटली फ्री टू डिसाइड इन विच मैनर दे वॉन्ट टू प्रोड्यूस द गुड्स, हाउ दे वॉन्ट टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड वट क्वान्टिटी दे प्रोड्यूस द गुड्स. फाइन. तो इसलिए इसमें आपका कोई भी इंटरफेरेंस किसी तरीके का नहीं होता है. देन देयर डिसीजंस आर अंडरटेकन एज व्हाट टू प्रोड्यूस. व्हाट टू प्रोड्यूस मतलब क्या प्रोड्यूस करा जाए. तो प्रोड्यूसर्स आर वांट टू प्रोड्यूस ओनली दोज गुड्स विच प्रोवाइड देम या विच ऑफर देम हायर प्रॉफिट. प्रोड्यूसर जो है उन्हीं गुड्स का प्रोडक्शन करना चाहेगा जहाँ पे उसे मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट मिल सके. और किस गुड्स के प्रॉफिट में उसे मतलब किस गुड्स के प्रोडक्शन में उन्हें प्रॉफिट ज़्यादा होगा, जिन गुड्स की मार्केट में डिमांड बहुत ज़्यादा हो और सप्लाई बहुत कम. आपके सामने आज का लाइव एग्जांपल है जो सिचुएशन चल रही है कोविड की, उसमें आपने देखा होगा अब तो खैर काफ़ी लेवल ठीक हो गया है, बट जब पिछले हम 10-15 दिन पहले की बात करें हर तरफ मार्केट में किस चीज़ की शॉर्टेज थी, ऑक्सीजन नहीं है, हॉस्पिटल्स में बेड्स नहीं है, मरीज इधर उधर पड़े हुए हैं, उनका प्रॉपर इलाज नहीं हो रहा, डॉक्टर्स आर नॉट अवेलेबल. तो इट मीन्स व्हाट कि ऑक्सीजन गुड्स में आ गया वो शॉर्ट था, डॉक्टर सर्विसेज में आ गई वो शॉर्ट थी, बेड्स अवेलेबल नहीं थे हॉस्पिटल्स में, रूम्स अवेलेबल नहीं थे, ये सब चीज़ें शॉर्ट थी उस टाइम पर. तो उस टाइम पर जो उन चीज़ों को अरेंज कर रहा था वो उसके मनचाहे रेट ले रहा था. ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए तो अगर 2-2.5 हज़ार का है तो भैया 10 का मिलेगा, 12 का मिलेगा, 15 का मिलेगा. अब सामने वाले की तो मजबूरी है, उसको तो परचेस करना ही करना है क्योंकि जान बचानी है उसे किसी अपने की, तो वो तो परचेस करेगा. तो मतलब उस टाइम पे लोगों ने बहुत पैसा कमाया. आप कह सकते हैं कि पैसा वो गलत कमाया, बट उनका तो यही मोटिव था रहा कि भाई मार्केट में तो बहुत डिमांड है इस टाइम ऑक्सीजन की. ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीमीटर हो गया, जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स थे जो 700-800 के इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो 2000-3000 तक के बिके उस टाइम पर क्योंकि डिमांड थी उन चीज़ की. तो इसलिए प्रोड्यूसर्स की अगर हम बात करें तो प्रोड्यूसर्स हमेशा वही चीज़ बनाने की सोचता है जिसमें उसको मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न होता है. उसको सिर्फ ये देखना होता है कि मुझे प्रॉफिट कैसे होगा, सामने वाले पे क्या है क्या नहीं है, वो दे सकता है नहीं दे सकता, उससे उस चीज़ का कोई मतलब नहीं है.
तो ये हो गया प्रोड्यूसर्स का। फिर सेकंड आती है हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस में उनके पास दो ऑप्शन है, लेबर और लेबर का यूज़ करें या कैपिटल का यूज़ करें। तो ऑब्वियसली जहाँ पर प्रोड्यूसर अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करना चाह रहा है, तो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करने के लिए वो कॉस्ट तो नहीं बढ़ाना चाहेगा ना, वो तो चाहेगा कि मैं वही मेथड यूज़ करूँ जहाँ मुझे कम से कम खर्चा आए। और कम से कम खर्चा उसे किस टेक्निक में आएगा, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में, ठीक है ना। हाउ टू प्रोड्यूस में प्रोड्यूसर्स विल ऑलवेज ट्राइंग टू यूज़ दैट टेक्नोलॉजी विच मैक्सिमाइज द एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मतलब काम का स्तर बढ़ जाए, प्रोडक्शन लेवल बढ़ जाए और लेकिन कॉस्ट घट जाए। इसका मतलब इनडायरेक्टली वो किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक की तरफ इशारा कर रहे हैं। फिर फॉर होम टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस में भी डिसीजन वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से लेगा कि अपना प्रॉफिट कैसे मैक्सिमम करा जाए। और अपने प्रॉफिट को मैक्सिमम करने के लिए फॉर होम टू प्रोड्यूस में ऑब्वियसली प्रोड्यूसर विल गोइंग टू प्रोड्यूस द गुड्स ओनली फॉर द रिचर सेक्शन, क्योंकि रिचर सेक्शन ही वो सेक्शन है जो मन चाहे रेट दे सकता है प्रोड्यूसर को। फ्रॉम रिचर सेक्शन दे कैन चार्ज हाई प्राइस फॉर देयर प्रोडक्ट, और हाई प्राइस चार्ज करना मतलब प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना। तो इन फ्री इकोनॉमी प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूस गुड्स फॉर दोज पीपल्स हु कैन अफोर्ड टू पे हाई प्राइस, यानी इनडायरेक्टली दे वॉन्ट टू प्रोड्यूस द गुड्स फॉर द रिचर सेक्शन एंड पुअर सेक्शन वॉज टोटली इग्नोर्ड। उनको टोटली इग्नोर्ड कर रहे हैं कि उनके लिए हमारे पास कुछ नहीं है, हम उनके लिए गुड्स नहीं बना सकते। तो ये तीनों प्रॉब्लम्स, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और फॉर होम टू प्रोड्यूस, मार्केट इकोनॉमी में प्रोड्यूसर्स किस पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व करते हैं, विद द पॉइंट ऑफ व्यू फॉर द मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। फिर नेक्स्ट आता है हमारा सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में बेटा बिल्कुल अपोजिट है, व्हाट हाउ एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस टेकन आर टेकन, जो प्रॉब्लम्स है दीज प्रॉब्लम्स आर सॉल्व और टेकन बाय द सेंट्रल अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट के अंडर में आता है। गवर्नमेंट विल गोइंग टू डिसाइड व्हाट हाउ एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, और जब गवर्नमेंट के अंडर में डिसीजन आ जाते हैं तो गवर्नमेंट्स आर डिसीजन टेकन फॉर द सोशल वेलफेयर, नॉट फॉर द प्रॉफिट्स। गवर्नमेंट कभी प्रॉफिट्स के लिए काम नहीं करती, वो हमेशा कोशिश ये होती कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा सामाजिक सेवा यानी सोशल वेलफेयर वर्क करा जाए बाय डिसाइडिंग दीज थ्री प्रॉब्लम्स, है ना। तो इन द सिचुएशन ऑफ मास अनएम्प्लॉयमेंट, भाई अगर हम बात करें कि क्या परचेज़ करना है, तो गवर्नमेंट का कोशिश ये होता है कि हम वही चीज़ परचेज़ करें जिसकी मार्केट में, जिस चीज़ की इकोनॉमी में नीड ज़्यादा है। फिर वही अगेन एग्जाम्पल आता है कोविड का, पिछले एक साल से किस चीज़ की नीड ज़्यादा है, वैक्सीन की। तो गवर्नमेंट ने पूरा फोकस करा वैक्सीन के ऊपर और प्रोड्यूस भी करके दिखाया, बट अभी भी शॉर्ट चल रहा है प्रोडक्शन। तो गवर्नमेंट की पूरी कोशिश है कि प्रोडक्शन को इतना राइज कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, ताकि हर एक व्यक्ति तक वो वैक्सीन पहुँच सके, ठीक है ना। और उसके लिए गवर्नमेंट हमसे कोई पैसा चार्ज नहीं कर रही, बहुत बड़ी बात, इवन कॉस्ट भी नहीं ले रही हमसे, फ्री वैक्सीनेशन करवा रही है। तो ये क्या हो रहा है, समाज सेवा, सोशल वेलफेयर। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट नहीं चाहती हमारी कंट्री के लोग मरें बिकॉज ऑफ दिस COVID-19, ठीक है ना। तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या करा है, पूरा फोकस करा है कि किस तरीके से वैक्सीनेशन को प्रोड्यूस करा जाए, प्रोडक्शन लेवल इंक्रीज करा जाए, ताकि वो हर किसी के यूज़ में आ सके, फाइन। तो यहाँ पे डिसीजन गवर्नमेंट व्हाट टू प्रोड्यूस में गवर्नमेंट ने किसके बिहाफ पे लिया, अकॉर्डिंग टू सोशल वेलफेयर और नीड ऑफ द सोसाइटी। फिर हाउ टू प्रोड्यूस में, हाउ टू प्रोड्यूस में गवर्नमेंट वांट टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट लेवल, और अनएम्प्लॉयमेंट लेवल को रिड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट किस टेक्निक का यूज़ करेगी, लेबर इंटेंसिव टेक्निक का ही यूज़ करेगी, कैपिटल को प्रेफर नहीं करेगी। एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस में गवर्नमेंट विल गोइंग टू डिसाइड प्रोड्यूस द गुड्स ओनली फॉर द पुअर सेक्शन। क्यों? क्योंकि पुअर रिचर सेक्शन के लिए ऑलरेडी प्रोड्यूसर्स बना रहे हैं गुड्स, तो वो तो वहाँ से अफोर्ड कर लेंगे, उनके लिए तो प्राइस मैटर करता ही नहीं है, प्राइस हाई हो लो हो दे कैन अफोर्ड। बट पुअर सेक्शन के लिए नो वन रेडी टू प्रोड्यूस द गुड्स, क्योंकि वो हाई प्राइस नहीं पे कर सकते। तो उनके लिए गवर्नमेंट कोशिश करती है कि जो भी उनकी नीडफुल आइटम है वो उनको एट रीजनेबल रेट्स प्रोवाइड करी जाए। फिर मिक्स इकोनॉमी आती है। मिक्स इकोनॉमी मतलब जहाँ पर दोनों ही चीज़ें अवेलेबल हो, मार्केट इकोनॉमी भी और सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। हमारा इंडिया भी इसका एग्जांपल है। हमारे इंडिया में बहुत सारी चीज़ें आज भी ऐसी है जो गवर्नमेंट के अंडर में, जहाँ पे गवर्नमेंट रेट डिसाइड करती है, गेहूँ, चावल, चीनी, पेट्रोल, एलपीजी गैस सिलेंडर, इलेक्ट्रिसिटी रेट, ये सब गवर्नमेंट डिसाइड करती है। तो जहाँ पे गवर्नमेंट डिसाइड करती है वहाँ प्रोड्यूसर्स इंटरफेयर नहीं करते। उसके अलावा फिर बहुत सारे सेक्टर्स हैं जो प्राइवेट प्रोड्यूसर्स के अंडर में हैं, गारमेंट्स, स्टील, शूज़, वॉचेस, गोल्ड, इसमें गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है।
ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज, टू व्हीलर्स, ये सब एग्जांपल हैं इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स. इसमें गवर्नमेंट का कहीं कोई इंटरफेरेंस नहीं है. यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं प्रोड्यूसर्स अपने अकॉर्डिंगली डिसाइड करते हैं, ठीक है ना. तो इन इंडिया प्रोड्यूसर्स आर फ्री टू प्रोड्यूस क्लोथ, स्टील फॉर द मैक्सिमाइजेशन ऑफ द प्रॉफिट, बट रेलवेज आर द मोनोपोली. रेलवेज इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ मार्केट सोशल इकोनॉमी या सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी, क्योंकि रेलवेज में भी जो भी डिसाइड डिसीजन होते हैं, क्या रेट होगा, कितना रेट होगा, वो सब गवर्नमेंट डिसाइड करती है. फाइन, तो ये हमारा सॉल्यूशन था जो हमने आपके साथ डिस्कस करा. अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो आएगा अबाउट द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व. न्यू टॉपिक है जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे आपके साथ. थैंक यू क्लास.